नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर रामपुर तहसील के मिलक के ग्राम भोजीपुर भाकड़ा नदी के कटान से सरकारी रोड हुआ क्षतिग्रस्त। रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भोजीपुरा में भाकड़ा नदी का कटान से सड़क हुई क्षतिग्रस्त, जिसका मुआयना करने आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व सीडीओ गजल भारद्वाज पहुंचे और सड़क के किनारे पौधे लगाकर सरकारी जमीन को चिन्हित किया। और ये 19 में लगे हैं। तो अभी इसमें और होना है और सर, अगर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सड़क बना देंगे तो इनको और आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा या ऊंचा कर देंगे या पिचिंग कर देंगे, पत्थर वगैरह हो जाएगा। तो आप एक काम करोगे, आप ये सड़क वड़क तो बना देंगे लेकिन आप अपना काम पूरा करिए, ठीक है? सड़क तभी टिक पाएगी जब पहले आप अपना इसमें बेस बनाएंगे। सर उसको बेस नहीं मिलेगा ना, हम पहले करेंगे किसको? जो हम भी जो भी कुछ करेंगे उसके लिए बेस की जरूरत है, पीछे उसके लिए सपोर्ट। इंजीनियरिंग तरीके से बताओ यार, ये ऐसे ये क्या है, मतलब ये देसी तरीका नहीं? हमारे हम परतू पानी बनाते हैं सर, तो अगर पीछे से पानी निकल गया ऐसे तो सर ऐसा करो, आप दोनों ठीक है, मेरे को अगले फ्राइडे तक जॉइंट रिपोर्ट इसमें दीजिए। और ये नहीं कि पहले आप वाले सिस्टम से हम नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो दोनों लोग मिलकर समस्या का समाधान कैसे होगा वो बना के लेके आओ। दोनों सेम पिच पर होने चाहिए आपको, ठीक है? ये नहीं कि भाई आप करिए तो वो नहीं चलेगा। हर साल वाहन बहुत गिरता है, हाँ नहीं ठीक बात है, इसमें हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं, इधर उधर का आदमी आता है हर बार तो सीधा आता है इसमें गिर जाए। आप कोहरा का टाइम आ रहा है, आप लोग भी यार गांव वाले हो, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे पत्थर वत्थर ऐसे कुछ रखना चाहिए ना। गांव वाले ने इतना करा था, ये खेत जो है ये गांव वाले ने दिलवा दिया। सड़क जो आपने सड़क बनवाई है उसमें गड्ढा मुक्ति अभियान कितना चलाया गया है? ये जो मार्ग निर्माण है भोजपुरा के लिए 13 किलोमीटर का मार्ग है, ट्रांसमिटर से लेकर भोजपुरा कितना किलोमीटर है? 11 किलोमीटर। आप आए होंगे इससे, 11 नहीं तो आए होंगे, सर जिला मुख्यालय से आए, बहुत जगह कटे हैं, बहुत जगह टूटा हुआ है। वो सब रोड है, ये जिला बिलासपुर रोड है, जहाँ से ये ट्रांसमिटर काम है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक 11 किलोमीटर की ओडी आ रही है। इसमें हमें 7 किलोमीटर में हमें अभी कैच रिपेयर करानी है, 4 किलोमीटर जिस मार्ग से हम आए हैं वहाँ पे भी मैक्सिमम रोड पे गड्ढे हैं, वो भी आपको क्लियर करना, वो पैचिंग कराना है सर। अभी प्लांट से होगा सर, प्लांट अगर वो चलाया था सर बारह महीने को, तो बारिश होगी तो बंद हो गया, ये बारिश तक थोड़ा सा और हो जाए तो चलेगा। एक महीने में सारा काम, अक्टूबर में सर काम करा लगा देंगे, अक्टूबर में एक काम। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद करो पहले। अक्टूबर महीने में 4 किलोमीटर हमारे सड़कें हैं वो ठीक हो जाएंगे, और बाकी जगहों पे जो पटरियों में काम है वो भी काम हमारा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और पक्का काम डामर का जो मौसम पड़ता है बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम करा जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ के लेखपाल जरा ये बताएं, पिछली बार आपको ये कहा गया था कि एक जमीन यहाँ पर गांव में ऐसी ढूंढ कर दें जहाँ पर बैम्बू का जो छोटा उद्योग है उसको बनाने के लिए जो कारीगर है वो वहाँ पर आराम से काम कर सके और उसको डिस्प्ले पे भी लगाया जा सके। लेखपाल भोजपुरा, जमीन ढूंढी आपने कहाँ पर? जी मैम मिल चुकी है। तो इसमें अगर जमीन आपने ढूंढ दी है, अब हम चाहते हैं कि गांव के बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे महिलाओं के किसी समूह को जोड़कर उसमें ट्रेनिंग कराइए और शेड वगैरह डलाकर उसको एक ग्रामीण उद्योग के रूप में यहाँ पर चलाइए, जहाँ पर बैम्बू का कार्य किया जा सके। देखिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं, अभी हम उत्तराखंड के एक बड़े पॉपुलर हिल स्टेशन में गए थे, मुक्तेश्वर नाम है उसका, वहाँ के लोग जो है चीज बना रहे थे, ऐसे ही छोटी-छोटी जमीनों पर चीज, जो आजकल के बच्चे जो पिज्जा वगैरह में खाते हैं, पास्ता वगैरह में खाते हैं, बहुत महंगे दामों में बनता है, हरी दूध से बनता है। तो आप अगर अपने ही गाँव में कृषि से जुड़े हुए ऐसी पदार्थों पर काम करेंगे जिसकी अच्छी कीमत है, तो कल को आपके गांव का बहुत अच्छा विकास होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। तो इसी कारण से जो जमीन लेखपाल साहब ने ढूंढ कर दी है, इसमें मनरेगा से डीसी मनरेगा और वीडियो साहब आप इसको देख लीजिए कि वहाँ पर एक सेंटर के रूप में उसको बनवाइए, मिनी उद्योग सेंटर, जहाँ पर बैम्बू का एक मिनी उद्योग के रूप। इधर थाना बिलासपुर क्षेत्र अहमदाबाद का एक युवक को खेत पर जाना पड़ा महंगा। युवक के खेत पर शाम के समय जाने पर मौजूद युवती युवक को मिली तो युवक उससे बात करने लगा, तभी युवती के जेठ व परिजन वहां पहुंच गए और अवैध संबंध का शक होने पर युवक और युवती को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की।
इस संबंध में थाना बिलासपुर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर की कार्यवाही, चार को किया गिरफ्तार। थाना बिलासपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक पुरुष द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उसके साथ वो उसके एक मिलने वाली महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। क्या है पूरा मामला? कासरअली पुत्र नन्हे निवासी लंबाखेड़ा थाना कोतवाली रुद्रपुर उत्तराखंड ने थाना बिलासपुर पर आकर तहरीर दी कि दिनांक 17/9/2021 को शाम के 7 बजे वो थाना बिलासपुर के अहमदाबाद गांव में आ रहा था। अहमदाबाद में उसकी कुछ अपनी निजी जमीन है और कुछ ज़मीन वो ठेके पर ले रहता है। रास्ते में सलीम जहां नामक महिला मिली, उससे वो बात कर रहा था। तभी वहां पर सलीम जहां की जेठ और उसके परिजन आ गए। उन्हें ये शक हुआ कि कासर अली और सलीम जहां के बीच अवैध संबंध है। वो इस बात को लेकर कासर अली और सलीम जहां के साथ मारपीट की। इस संबंध में कासर अली की तहरीर पर आज थाना बिलासपुर सुसंगत धारा में मुकदमा लिख लिया गया है और मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अन्य लोग हैं उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा।